दोस्तों मई महीना ऑलरेडी आ चुका है और हर महीने एक तारीख को मैं उस महीने के अंदर जियो और एयरटेल जो आज के डेट के अंदर भारत के अंदर अपने 5G सर्विसेज को चालू किया है, ये दो कंपनी के लाइव स्पीड टेस्ट यहाँ पर करता हूँ। मैं मेनली 5G स्पीड टेस्ट कंपैरिजन यहाँ पर करता हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि ये दोनों कंपनी के अंदर क्या कुछ नेटवर्क डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मैं ये वीडियो इसी कारण से कह रहा हूँ क्योंकि मैं जिस एरिया के अंदर हमारा स्टूडियो है वो मेरे लिए एक प्रैक्टिकल एरिया में कह सकता हूँ, क्योंकि देखिए दोनों कंपनी का जो मोबाइल टावर है बिल्कुल पास पास है और हमारे स्टूडियो से मोबाइल टावर का डिस्टेंस 500 मीटर है। और यहाँ पर जो मैं स्पीड टेस्ट का वीडियो बना रहा हूँ वो एकदम कंजेस्टेड टाइम के अंदर बना रहा हूँ। उसी के साथ कुछ क्राइटेरिया को मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ। जैसे मैं इस स्टूडियो के अंदर हूँ, बिल्कुल इंडोर कंडीशन के अंदर है, खिड़की दरवाजे बिल्कुल बंद हुआ कंडीशन के अंदर है, तो आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएंगे अगर आपके एरिया के अंदर 5G दोनों कंपनी के अवेलेबल है तो कौन सा कंपनी आपको बेहतर 5G सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जहाँ पर जियो और एयरटेल दोनों कंपनी दोनों अलग टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज करते हैं, जहाँ पर जियो यहाँ पर 5G SA यानी स्टैंडर्ड लोन आर्किटेक्चर के ऊपर यूज करते हैं, जहाँ पर एयरटेल 5G NSA यानी नॉन स्टैंडर्ड लोन के ऊपर जाते हैं। स्टैंडर्ड लोन नॉन स्टैंडर्ड लोन क्या है इसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल के अंदर, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं कि ये दोनों कंपनी के अंदर लाइव स्पीड टेस्ट क्या कुछ आते हैं। दोस्तों आप मेरे फोन के रिफ्लेक्शन स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, तो इसके लिए मैं स्पीड टेस्ट का जो ग्लोबल लीडर है ओकला उनके स्पीड टेस्टिंग एप्लीकेशन को यूज करने वाला हूं। और हमारा जो मोबाइल नेटवर्क है वो एयरटेल 5G से ऑलरेडी कनेक्टेड है। यहां पर आप देख सकते हैं नेटवर्क सिग्नल एयरटेल और जियो दोनों में फुल यहां पर दिखा रहा है। तो यहां पर मैं स्पीड टेस्ट का जो ग्लोबल लीडर है ओकला उनके स्पीड टेस्टिंग एप्लीकेशन को यहां पर मैं यूज करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एयरटेल के साथ ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, सर्वर भी यहां पर फाइंड कर लिया है। तो चलिए स्पीड टेस्ट को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कितना स्पीड एयरटेल कंपनी के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी स्टार्ट दिया है और यहां पर कनेक्टिंग शो हो रहा है। अभी फाइनली देखते हैं एयरटेल के अंदर हमें कितना स्पीड देखने के लिए मिलते हैं। पिंग 39 मिलीसेकंड का आ चुका है, जिटर 2 मिलीसेकंड का आ चुका है और यहां पर डाउनलोडिंग स्पीड की अगर मैं बात करता हूं तो 160 एमबीपीएस के आसपास अभी शो कर रहा है। तो फाइनली डाउनलोडिंग स्पीड कितना आते हैं हम देखते हैं। जिटर काफी ज्यादा कम है, मतलब जो गेमिंग एक्सपीरियंस है ऑनलाइन गेमिंग अगर आप करना चाहते हैं तो काफी बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। तो फाइनली 172 एमबीपीएस का डाउनलोडिंग स्पीड एयरटेल 5G के अंदर हमारे एरिया के अंदर दर्ज किया गया है। उसी के साथ अगर मैं अपलोडिंग स्पीड की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट 79-80 एमबीपीएस के आसपास है। तो फाइनली देखते हैं कितना स्पीड आते हैं। तो यहां पर 172 एमबीपीएस का डाउनलोडिंग स्पीड एयरटेल 5G के ऊपर, अपलोडिंग स्पीड 77.5 एमबीपीएस, पिंग 39 मिलीसेकंड, जिटर 2 मिलीसेकंड का यहां पर आया है। तो ये था एयरटेल कंपनी का स्पीड टेस्ट का रिपोर्ट, एयरटेल अपने 5G के ऊपर कितना स्पीड हमारे एरिया के अंदर प्रोवाइड करते हैं। एकदम सिमिलर जगह के अंदर जियो का भी 5G मोबाइल टावर है, अभी देख लेते हैं कि जियो के अंदर कितना स्पीड हमें देखने के लिए यहां पर मिल जाते हैं। तो दोस्तों हमारा मोबाइल जो है वो ऑलरेडी जियो 5G से कनेक्टेड हो चुका है। तो यहां पर भी मैं स्पीड टेस्ट का जो ग्लोबल लीडर है ओकला उनके स्पीड टेस्टिंग एप्लीकेशन को यूज करूंगा। तो यहां पर स्पीड टेस्ट वाला एप्लीकेशन को मैंने ऑलरेडी खोल लिया है और खोल लेने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं सर्वर जो वो यहां पर फाइंड कर रहा है। तो फाइनली देखते हैं, थोड़ा सा यहां पर टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर रिलायंस जो 5G से कनेक्टेड हो चुका है और यहाँ पर सर्वर फाइंड हो रहा है, यहाँ पर जियो कोलकाता सिलेक्ट हो चुका है। तो इसके बाद मैं स्पीड टेस्ट यहाँ पर कर लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो गो में जब भी करता हूँ तो यहाँ पर जो नेटवर्क रिफ्रेश होना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर भी पिंग 27 मिलीसेकंड का आ रहा है, जिटर 2 मिलीसेकंड का आ रहा है और स्पीड जो धमाकेदार आ रहा है जियो 5G SA के साथ 450 एमबीपीएस के आसपास स्पीड यहाँ पर आ रहा है। तो 442 एमबीपीएस का डाउनलोडिंग स्पीड और 100 एमबीपीएस से भी ज़्यादा का अपलोडिंग स्पीड यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब कितना ज़बरदस्त स्पीड जियो यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। पिछले महीने जियो का कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन इस महीने जियो ने काफ़ी इंप्रूव किया है। 442 एमबीपीएस का डाउनलोडिंग स्पीड, 106 एमबीपीएस का अपलोडिंग स्पीड, पिंग 27 मिलीसेकंड का, जिटर 2 मिलीसेकंड का, मतलब ऑनलाइन गेमिंग एक्सपीरियंस सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने के लिए मिलेंगे जियो 5G के ऊपर। तो पिछले महीने से इस महीने के अंदर जियो ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है, आपका रिजल्ट सामने ही है। तो दोस्तों आपको प्रॉपरली ये पता चल गया होगा कि जियो और एयरटेल के अंदर कौन सा कंपनी सबसे बेहतरीन इंटरनेट स्पीड आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लाइक उनको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।